हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रोमन रेंस ने नियरली तोड़ के रख दिया जिंदर महाल को, और रॉ के शॉकिंग हाइलाइट्स के बारे में भी। दोस्तों, आज का रॉ लंदन यूके में हुआ, जहां हमने बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टफ देखे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रोमन रेंस के कॉन्ट्रोवर्शियल स्टफ और रॉ के बाकी के हाइलाइट्स भी। रोमन रेंस शो की शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बूस्ट के साथ, और वो जिंदर महाल को कॉल आउट करते हैं फाइट के लिए। पर तभी कर्ट एंगल आते हैं और कहते हैं कि जिंदर ने लास्ट वीक जो किया वो काफ़ी गलत था, पर फिर भी वो मेन इवेंट में जिंदर महाल को डालेंगे फॉर मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, क्योंकि जिंदर महाल एक फॉर्मर WWE चैंपियन रह चुके हैं। और वो क्वालिफाइंग मैच होगी जिंदर महाल वर्सेस इलायस वर्सेस बॉबी लैशली। पर तभी रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें भी उस मैच में ऐड किया जाए और वो मैच फेटल फोर वे मैच बनाई जाए। क्राउड ने तभी जोरदार बू किया, पर कर्ट एंगल ने फिर रोमन रेंस का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और फिर इमीडिएटली रोमन रेंस बैकस्टेज जाते हैं जिंदर महाल को ढूंढने, और जब जिंदर महाल उनको मिलते हैं उन दोनों की बड़ी ब्रॉल शुरू हो जाती है। जिंदर महाल पहले रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और क्राउड तभी जिंदर महाल को चीयर करती है, पर फिर रोमन रेंस वो अटैक काउंटर करके जिंदर महाल पर ज़बरदस्त अटैक करते हैं और स्टेज पर ले जाकर सुपरमैन पंच देते हैं उन्हें। और दोस्तों, ये फाइट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बैक स्टेज जिंदर महाल जब चलते रहते हैं तभी आउट ऑफ नोवेयर जिंदर महाल को रोमन रेंस एक ज़बरदस्त स्पीयर देते हैं थ्रू द वॉल। जिंदर महाल बहुत ज़्यादा हर्ट दिखते हैं उस स्पीयर से, और इसी की वजह से कर्ट एंगल जिंदर महाल को रिप्लेस कर देते हैं इन द मेन इवेंट। और दोस्तों, दूसरे बड़े हाइलाइट्स की बात करें तो सेथ रॉलिंस ने हरा दिया केविन ओवंस को और सक्सेसफुली डिफेंड किया अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक ज़बरदस्त मैच में। और फिर हमें देखने मिला मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच, नो वे होजे वर्सेस बैरन कॉर्बिन वर्सेस बॉबी रूड, जिसमें बॉबी रूड ने ग्लोरियस डीडीटी दिया नो वे होजे पर और जीत लिया टू क्वालिफाई फॉर मनी इन द बैंक लैडर मैच। ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर ने हरा दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड फिन बैलर की टीम को। एलेक्सा ब्लिस ने हरा दिया मिकी जेम्स एंड बेली को और क्वालिफाई हो गई फॉर विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। एंड इन द मेन इवेंट जिंदर महाल का रिप्लेसमेंट हमें देखने मिले केविन ओवंस। तो फिर दोस्तों, हमें एक ज़बरदस्त क्वालिफाइंग मैच देखने मिली इलायस वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस बॉबी लैशली, जहां पर एंड में सैमी ज़ेन ने बॉबी लैशली पर अटैक किया और इसी का एडवांटेज लेकर केविन ओवंस ने इलायस को पिन किया और जीत गए ये बड़ी मैच और क्वालिफाई हो गए फॉर मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो दोस्तों, मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए रॉ के 4 सुपरस्टार हो चुके हैं क्वालिफाई, और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन, फिन बैलर, केविन ओवंस एंड बॉबी रूड, और स्मैकडाउन के हैं मिस एंड रूसेफ। दोस्तों, द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल काफी इंजर्ड लग रहे हैं रोमन रेंस के ब्रूटल अटैक से। अब तो कोई भी चांस नहीं है रोमन रेंस और जिंदर महाल दोनों का मनी इन द बैंक लैडर मैच में होने के लिए। दोस्तों, हमें अगले हफ्ते रॉ में इन दोनों की फिर से ब्रॉल देखने मिल सकती है, और फिर तभी हमें देखने मिलेगा कि कौन होता है लास्ट मैन स्टैंडिंग। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शेन मैकमैन ने अनाउंस किया कि मनी इन द बैंक पेपर व्यू में AJ स्टाइल पोजिशंस के नाकामुरा पर WWE चैंपियनशिप की मैच होगी, पर अभी अपडेट आई है कि कल स्मैकडाउन लाइव में AJ स्टाइल वर्सेस नाकामुरा की मैच होगी, और मैच का विनर डिसाइड करेगा स्टिपुलेशन फॉर देयर मैच एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और आपको कैसी लगी आज की रॉ, और आपका क्या कहना है रोमन रेंस और जिंदर के सेगमेंट के बारे में, और आपको क्या लगता है कि अगले हफ्ते इन दोनों की ब्रॉल में कौन होगा लास्ट मैन स्टैंडिंग। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।